सिख राज दी राजकुमारी महाराजा रणजीत सिंह दी पोतरी दे महाराजा दलीप सिंह दी छोटी धी दे एक स्विस बैंक खाते का खुलासा होया, जिस विच दस्या जा रहा है कि इस बैंक अकाउंट विच इस समय $2 trillion रकम पई है। ये $2 trillion भारत की करंसी विच किन्ने पैसे बनते ने, कौन है ये राजकुमारी, कौन है इस पैसे का मालक, इस वीडियो विच आज यही दसांगे। वीडियो अखीर तक देखियो तो शेयर भी कर दियो, क्योंकि गल सिख राज दी राजकुमारी दी है, शेयर करन दा फर्ज तां बनदा ही है। पहला आपां $2 trillion दी गल करनी है। जे आपां 1 trillion नूं गिणना जां लिखना होवे तां 1 दे मगर 12 ज़ीरोआं लाउण ते 1 trillion बनदा है। 1 trillion नूं भारत दी करंसी अनुसार 1 lakh crore भी कहा जांदा है। सिख राजकुमारी दा स्विस बैंक विच $2 trillion पिया है, तो आप डालर नूं रुपये विच बदलीए तो आज दी तरीक विच 1 American dollar दे भारत दी करंसी मुताबक करीब 80 रुपए बनते हैं। हुण इस हिसाब नाल आप 1 trillion नूं INR यानी भारतीय करंसी विच बदलीए तो ये 80 lakh crore रुपए बन जाते हैं। सिर्फ 80 लख नहीं, 80 lakh crore, क्योंकि ये रकम 1 trillion American dollar है। राजकुमारी दे बैंक खाते विच हन 2 trillion, तां इह रकम दुगनी हो के 160 lakh crore बन जाती है, जो कि एक बहुत वड्डी रकम है। जे इस रकम नूं तुसी बैंक विच FD दे रूप विच रखो तो तुहानूं महीने दे करीब 40,000 crore तो वध रकम मिलेगी। ये रकम इन्नी ज़्यादा है कि इस रकम के पिछे 0 लाइए तो 0 की गिनती भी मुक जाएगी। हुण गल करदे आ सिख राज दी इस राजकुमारी दी, जिस दे खाते विच 2 trillion दी इह रकम पई है। सिख राज दी राजकुमारी है शेरे पंजाब दी पोतरी कैथरीन दलीप सिंह, जिस दे स्विस बैंक खाते बारे जानकारी मिली है, जो कि स्विस बैंक विच अज भी चल रहा है। यह खाता आखिरी बार 1930 विच वरत्या गया सी। एक किताब जिसका नाम है कलोनियालिज़म टू कोऑपरेशन, जो कि भारत के सबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सबका मीडिया सलाहकार रहे अशोक टंडन ने लिखी है। इस किताब विच उन्होंने सिख राजकुमारी के इस खाते का भी जिक्र किया। किताब विच लेखक ने लिखा है कि राजकुमारी कैथरीन हिल्डा दलीप सिंह के नाम यह ज्वाइंट खाता है, अते एक बैंक लॉकर भी है जो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न के UBS AG बैंक विच चल रहा है। किताब अनुसार इस रकम नूं भारत सरकार वालों बैंक कोलों रिकवर करना चाहिए। जिक्रयोग है कि राजकुमारी कैथरीन का यह बैंक खाता इस तों पहला 1997 विच भी चर्चा विच आया सी, जदों स्विस बैंक ने कतलेआम पीड़ितां दीआं जायदादां नूं उहनां दे वारसां दे नाम करन लई खाता मालकां दे नावां की एक सूची जारी की सी। महाराजा रणजीत सिंह ते राणी जिंद कौर दे सपुत्तर महाराजा दलीप सिंह नूं अंग्रेज छोटे हुंदे ही माँ कोलों खोह के इंग्लैंड लै गए सी, जिथे उसके केस कतल करके उसनू ईसाई रीतां अनुसार पालिया गया। इस तों बाद उसने मिस्र दे शहर कायरो विच एक कुड़ी बंबा मूलर नाल व्याह कराया। महाराणी जिंदा दे अकाल चलाने मगरों दलीप सिंह सिक्खी वल फिर मुड़ आया सी। उधर बंबा मूलर की कुखों महाराजे दे घर एक पुत्र पैदा होया, जिसकी जल्दी ही मौत हो गई। इस तों बाद दूजा पुत्र विक्टर एल्बर्ट होया, फिर फ्रेंडरिक विक्टर, फिर धी प्रिंसेस बंबा सूफिया जिंदा का जन्म होया। उस तो बाद दूजी धी प्रिंसेस कैथरीन हिल्डा दलीप सिंह का जन्म होया। उस तो बाद प्रिंसेस सूफिया अलैगजेंडर, अखीर विच पुत्र एडवर्ड एल्बर्ट अलैगजेंडर का जन्म होया, यानी 4 पुत्र ते 3 धियां, जिन्हां विच कैथरीन हिल्डा दलीप सिंह दूजी धी सी। कैथरीन हिल्डा दलीप सिंह ने समरविल हॉल ऑक्सफोर्ड विच सिक्ख्या प्राप्त की थी सी। 1903 विच उसनू भारत आउण दी आग्या मिली अते ओह लाहौर अते श्री अमृतसर साहब भी आई सी। कुछ समा जर्मनी विच रहण उपरंत उसकी स्पेन विच 71 साल की उम्र विच मौत हो गई। कैथरीन ने विआह नहीं सी करवाया। जुलाई 1997 विच एक खबर सामने आई सी, जिस विच स्विस बैंकरस एसोसीएशन द्वारा स्विस बैंकों विच 5,000 तो वध उन्हां खात्यां की सूची जारी की गई सी जो बैंक खाते एक्टिव नहीं हन। इस सूची विच राजकुमारी कैथरीन के नाम का एक खाता भी दर्ज सी, जिसका एड्रैस दलीप सिंह कैथरीन 1942 पेन बक्स विच रहिंदे हुए आखिरी बार सुनिया गया सी वजों दर्ज किया गया।
बैंक वालों जारी लिस्ट वाले इन खातों को दूजे विश्व युद्ध के अंत तो बाद वरत्या नहीं गया। राजकुमारी के इस खाते से भारत सरकार समेत पंजाब ते पाकिस्तान चो कई रिश्तेदार दावेदारी रखते सी, पर राजकुमारी का सीधे तौर पर कोई भी जीवित उत्तराधिकारी नहीं सी, क्योंकि दलीप सिंह दे किसी भी बच्चे की कोई औलाद नहीं सी। इस हिसाब नाल भारत सरकार का उस जायदाद जा पैसे ते कोई भी हक नहीं बनता। वैसे भी सिख राज ता पंजाब दी धरती ते कायम रहा, बाकी भारत दे लोग ता सगो अंग्रेजा नाल मिलके पंजाब ते कब्जे लई हमले करदे रहे। ता जाहर है कि भारत दा ता इस जायदाद विच कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहीदा। जिवें कि पहला दसी किताब दे लेखक अशोक टंडन ने किताब विच कहा कि भारत सरकार इस पैसे नू स्विस बैंक चो रिकवर करे। बाकी इस मामले विच इस खाते बारे सिख खोजियां नू भी होर पड़ताल करन दी लोड़ है, ता जो कदे इस खाते बारे जिक्र होवे ता सिख राज दी वारस राजकुमारी दी जायदाद दे वारस वजों सिख कौम अपनी दावेदारी पेश कर सके।